हेलो गाइस, तो आ चुके हैं और एक वीडियो के साथ। तो ये पिछले जो मैंने वीडियो डाला था उसका पार्ट टू है गाइस। तो इसमें भी मैं इफ़ रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। कोई गेम प्ले का वीडियो नहीं है ये। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बनी स्क्वाड रिटर्न के बारे में बताऊँगा, और गाइस जो मतलब हमारा ईवोगन आने वाला है उसके बारे में, मतलब नया ईवोगन आने वाला है, मतलब कोई रिटर्न का मतलब रिटर्न नहीं, कोई नया ईवोगन होगा तो उसके बारे में बताने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, और भी सारे अपडेट्स हैं तो आप कोई भी अपडेट ना मिस करो, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच करते रहना गाइस। और छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो बनी स्क्वाड बंडल रिटर्न के बारे में। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये बनी स्क्वाड मतलब बनी स्क्वाड बंडल है। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये बनी बंडल है, और जो रजिस्टर पहनता है, और बाकी के जो बनी के जो आज तक फ्री फायर में जो भी मतलब बनी के बंडल्स आए हैं वो सब हैं यहाँ पे। तो 6 के 6 ही हैं, और 3 फीमेल का बंडल और 2-3 मेल का बंडल। तो 3 मेल 3 फीमेल। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा जो मतलब ये बनी बंडल का जो बनी स्क्वाड बंडल है, मतलब बनी स्क्वाड बंडल नहीं, मतलब बनी स्क्वाड जो इवेंट आएगा वो हमारे लकरवाल में आएगा। तो और यहाँ पे टोकन भी मिलेगा आपको एक्सचेंज करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए टोकन भी मिलेगा, और शायद से 15 या 20 टोकन सब बनी बंडल को एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब जो रजिस्टर पहनता है वो वॉरियर बनी। तो बहुत पुराना मतलब बहुत पहले आया था गाइस। तो गाइस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दूसरे जो लीक है उसके तरफ। तो हमारा दूसरा लीक जो है वो है वाइट टी शर्ट। तो वाइट टी शर्ट मतलब जो ब्लैक टी शर्ट है ना उसका कॉपी, मतलब कॉपी जेरोक्स कह सकते हो, मतलब सेम टू सेम, लेकिन जो कलर है वो ब्लैक टी शर्ट के बदले में वाइट है, मतलब दिखने में भी मतलब सेम है और जस्ट उसकी कलर अलग है। और गाइस तो ये तो हो गया ब्लैक टी शर्ट, मतलब कॉपी करके वाइट टी शर्ट आने वाला है। तो गाइज मैंने बहुत दिन पहले सोच के रखा था कि वाइट टी शर्ट मतलब आना चाहिए फ्री फायर में, मतलब वाइट टी शर्ट, कोई वाइट वाला टी शर्ट नहीं है फ्री फायर में ठीक अच्छा सा, मतलब ब्लैक टी शर्ट को मैं देख के वाइट टी शर्ट के बारे में सोच लिया। तो वही अब सच होने वाला है। तो मुझे पता नहीं था कि ये सच होने मतलब कभी हो सकता है, तो सच होने वाला है तो होने दो हमको क्या। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कह देता हूँ, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी पता चले जो आगे आने वाले अपडेट्स लीक्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे मतलब और कमेंट भी कर देना वीडियो के कौन सी पार्ट या फिर कौन सी अपडेट तुमको अच्छा लगा, मतलब आप लोगों को अच्छा लगा। तो गाइस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपडेट कौन सा है अभी। गाइज अब जो स्क्रीन के ऊपर ये एनिमेशन बाय साइड पर और डाई साइड पर आपको इमोट देखने को मिल रहा है, ये मतलब हमारे गेम में आने वाला है। तो ये इमोट आने वाला है और ये एंट्री एनिमेशन भी आने वाला है, मतलब लॉबी में जब आप किसी ग्रुप में जाते हो एंट्री करते हो तब जो एनिमेशन होता है वो आ सकता है। तो गाइज यहाँ पे तो हो गया ये एंट्री वाला काम, मतलब एनिमेशन और इमोट के बारे में बता दिया। और सामने स्क्रीन के ऊपर जो आप ग्लोअल का स्किन देख पा रहे हो ना गाइज, ये ग्लोअल का स्किन हमारे गेम में आ सकता है, मतलब आने के चांसेस है। अदर सर्वर में तो आ गए लेकिन हमारे इंडियन सर्वर में अभी तक नहीं आए। तो गाइज ये भी स्किन मतलब फ्री में मिलने के चांसेस भी है और नहीं भी, क्योंकि ये मतलब खास है, बहुत खास है, क्योंकि पहली बार गाइज मतलब फ्री फायर में पहली बार ये जो मतलब एनिमेटेड ग्लोअल का स्किन होगा, ये पहली फर्स्ट फ्री फायर की फर्स्ट एनिमेटेड ग्लोअल का स्किन। तो बहुत ही अच्छा ग्लोअल का स्किन बनाया है, ये वाला एनिमेशन भी है इसमें, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो अब जब ग्लोअल को फेंकेंगे तब भी अच्छा ही लगेगा। तो गाइज आप बात कर लेते हैं मिस्ट्री शॉप के बारे में। तो मिस्ट्री शॉप हमारा जे बलविन एक कोलैब, मतलब जे बलविन के साथ जो फ्री फायर का एक कोलैब होने वाला है, तो उससे उसके साथ कोलैब के बाद जो बंडल्स वगैरह आएंगे वो मतलब ऐसे कोई वेब इवेंट में भी आ सकता है और मिस्ट्री शॉप में भी आ सकता है गाइस। और तो मिस्ट्री शॉप में आएगा तो हमारे सर्वर में इलाइट पास तो देखने को मिल जाएगा, अदर सर्वर में मतलब ये जो सर्वर का वीडियो में दिखा रहे हो इसमें नहीं मिला, मतलब इलाइट पास नहीं है, और हमारे सर्वर में तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो इलाइट पास है इस बार का फालतू है, और फालतू का इलाइट पास ही फ्री फायर फ्री में देता है तो अच्छा है,
फ्री में मिल रहा है, मतलब फ्री में, अरे यार मैं क्या करूँ, फ्री में नहीं देता मतलब कम डायमंड में देता है। तो गाइस समझ रहे हो, जे बैलविन का जो ये ड्रेस वगैरह है ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस, एनिमेशन है। और आप अगर एक सच्चे जे बैलविन के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और कमेंट भी कर देना कि आई एम ए रियल जे बैलविन फ़ैन। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अभी कौन सा मतलब अपडेट आने वाला है देखते हैं। तो गाइस ये हमारी OB32 के अपडेट के बाद जो गन स्किन्स आने वाले हैं, तो ये है उसकी मतलब लीक्स। तो मतलब ये वाला गन स्किन्स मतलब आने वाला है OB32 के अपडेट के बाद। तो गाइस और एक अपडेट है, मतलब हमारा जो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एवोल्यूशन Emperor 1। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो ये मतलब रेड फ्लेम ड्रैको Emperor 1 है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। Level 1 में कुछ ऐसा है और Level 2 में कॉन्टेंट्स मतलब ये वगैरह आ जाता है। Level 2 में मतलब जो नेम होती है तो वो आ जाता है, और Level 3 में जो मतलब फायरिंग इफेक्ट्स होता है, और Level 3 में मतलब किल इफेक्ट होता है, और Level 4 में लुक्स चेंज हो जाता है, Level 6 में और ख़ास दिखता है, और Level 7 में तो इमोट मिलता है। तो इमोट अभी भी रिफिल नहीं हुआ, तो आगे रिफिल हो जाएगा गाइस, तो मैं दिखा दूंगा बाद में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं रिडीम कोड से मिलने वाले रिवार्ड्स के बारे में। तो गाइज रिडीम कोड से भी आपको रिवार्ड मिल जाएगा गाइज, तो तैयार हो जाओ, फिर से पहले की तरह रिडीम कोड से फिर से रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा गाइज। तो रिडीम कोड मतलब आप मतलब रेडी रहो, कभी भी रिडीम कोड आ सकता है, अभी मतलब वैसा ही चल रहा है, फिर से FFPL जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो अपडेट है उसके तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस आखिर में हमारा लास्ट जो अपडेट है वो है ये गोल्डन ट्रिगर वाला इसका स्किन। तो गाइस ये मतलब आप बता देना वीडियो को आगे नहीं बढ़ा के कि ये CS रैंक में आएगा या PR रैंक में आएगा, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आप 10 सेकेंड टाइम देता हूँ, फिर आप मतलब बता देना कॉमेंट में, फिर मैं चेक कर लूँगा कॉमेंट और आपको मैं आंसर भी दे दूंगा। तो गाइज मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ इसके लिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने 10 सेकेंड वेट कर लिया, तो अब बता देता हूँ आंसर, ये आपको CS रैंक में देखने को मिल जाएगा गाइज, कोई चीटिंग मत करना, ओके CS रैंक में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये था आज का अपडेट्स, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट गाइज, बाय।